बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक बड़ा इम्पॉर्टेंट है, बड़े गौर और ध्यान से सुनिएगा ताकि बात आपको समझ आए। टॉपिक है कि पाकिस्तान में महंगी तरीन गाड़ियाँ, या यूं कह लें कि गाड़ियों की आसमान को छूती कीमतें। आज इसका हम एनालिसिस करेंगे, क्या वजूहात हैं, वो कौन सी ऐसी वजूहात हैं कि वतन अज़ीज़ के अंदर गाड़ियाँ इंतहाई महंगी हैं। अब तो सूरत हाल ये पहुँच चुकी है कि बड़े बड़े अच्छे लोग जो अफोर्ड कर सकते थे गाड़ी, अब वो भी जो है अफोर्ड करने की लिमिट से बाहर निकल चुके हैं। दुनिया का अगर एक सरसरी जायज़ा लें तो गाड़ी उस सहूलत में आती है या उस ज़रूरत में आती है जो आलमोस्ट हर घर के लिए ज़रूरी है। बैरूनी ममालिक में ये कितनी महंगी है, क्या क्या हिसाब है, उसका एनालिसिस करेंगे। यहाँ क्यों महंगी है, वजूहात क्या है, और दिन ब दिन कीमतों का दिनों में रातों में लाखों रुपए बढ़ जाना, ये जा किस तरफ रही है बात, ये सारा एनालिसिस बड़े ध्यान से सुनिएगा। आइए मैं आपको सबसे पहले दुबई ले चलता हूँ, जहाँ पर आपको एक अच्छी गाड़ी 5 से 7 हज़ार दिरहम में मिल जाती है। ये 5 से 7 हज़ार दिरहम दुबई के लिए उनके 5 से 7 हज़ार ही हैं, हमारे लिए शायद वो कन्वर्ट हो के तो कुछ लाख बन जाए। इसी तरह ये मैं आपको कतर ले चलता हूँ, वहाँ पे भी 5 हज़ार 10 हज़ार 15 20 जैसे कीमत बढ़ाते जाएंगे, लेकिन 5 से 7 हज़ार जो है कतरी रियाल के अंदर आपको बड़ी अच्छी गाड़ी मिल जाती है। वहाँ से आगे चलिए यूरोप के अंदर, तो फ़र्ज़ कीजिए आप इंग्लैंड में हैं तो वहाँ आपको 5 हज़ार पाउंड 10 हज़ार पाउंड 15 20 25 30 50 इवन लाख, जैसे जैसे क्वालिटी में ऊपर बढ़ते जाएंगे गाड़ी मिल जाती है। ये जितने ममालिक की मैंने आपको मिसाल दी और इब्तदा की, ये उनकी करेंसी में तो चंद हज़ार हैं क्योंकि ये करेंसी उनकी है, लेकिन जब हम कन्वर्ट करते हैं अपनी पाकिस्तानी रुपीज़ में तो शायद कीमत लाखों तक पहुंच जाती है। अब आइए वतन अज़ीज़ की तरफ के, जहां गाड़ियों की कीमतें आसमानों को छू रही हैं, उसके मुहरकात क्या हैं, वजूहात क्या हैं, ये सारा एनालिसिस समझना जानना बड़ा ज़रूरी है। वतन अज़ीज़ के अंदर दो तरह के सिस्टम काम कर रहे हैं, एक है आपका लोको ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री सिस्टम है, जो आपके यहाँ पर ही प्लांट लगे हुए हैं मुल्क के अंदर, जहाँ पे टोयोटा है, होंडा है, दीगर कंपनियाँ हैं, उनकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, और असेंबली प्लांट जिसे आप कहते हैं कि इंजन या कुछ ऐसे पार्ट्स जो बैरूने ममालिक से मंगाए जाते हैं, यहाँ प्लांट पे उन्हें सिर्फ जोड़ने का काम तरतीब दिया जाता है, बॉडी और फ्रेम को रखकर, इंजन को रखकर, टायरों को और दीगर चीज़ों को तो असेंबल किया जाता है, ये है असेंबली प्लांट। एक प्लांट वो होते हैं जो कंप्लीट गाड़ी की जो है वो एक छोटे कुल पुर्जे से लेकर कंप्लीट गाड़ी बना कर देते हैं, लेकिन वतन अज़ीज़ के अंदर जो प्लांट लगे हुए हैं वो मोस्टली असेंबली प्लांट हैं। ये हो गया कि गाड़ियां या इंजन या पुर्जा जात बाहर से आते हैं पैकिंग में, यहाँ आकर खुलते हैं और असेंबली प्लांट में गाड़ियाँ जुड़ जाती हैं। दूसरा सिस्टम है कि आप बाहर से जो है रिकंडीशन गाड़ियाँ मंगवाते हैं, जो टोटली मसलन जापान की बनी होती हैं, जर्मनी की, दीगर ममालिक की, वो आप वहाँ से मंगवाते हैं, वो रिकंडीशन कहलाती हैं। फ़र्ज़ करें टोयोटा की कोई लेटेस्ट गाड़ी, 3 साल पुराना मॉडल जो है वो आप बाहर से इंपोर्ट करके यहाँ मंगवा लेते हैं और उसे बेचते हैं या ख़रीद कर चलाना शुरू कर देते हैं। ये दो सिस्टम जो है वो पैरेलल काम कर रहे हैं। बात आपको इसलिए इन डिटेल समझाई कि आपको समझ आ जाए। अब रिकंडीशन गाड़ियां अगर मुल्क में आती हैं तो लोकल जो ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री है उसको नुकसान पहुंचता है, उसकी जो है वो सेल सालाना लाखों यूनिट से कम होकर तो बहुत नीचे आ जाती है। अगर आप इंपोर्ट गाड़ियों को बंद करते हैं, अपनी लोकल इंडस्ट्री को तरजीह देते हैं, तो फिर आपको अच्छी जो है वो इंपोर्टेड गाड़ियाँ मुल्क में दस्तयाब नहीं होती। ये अगर दोनों साइड बाय साइड चलती रहें तो मार्केट के अंदर एक अच्छा मुकाबले का रुझान पैदा होता है, मुकाबले की फ़िज़ा पैदा होती है। अब आइए चंद उन मुहरकात की तरफ के, गाड़ियाँ महंगी क्यों हैं और रोज़ बरोज़ क्यों महंगी होती जा रही हैं।
आपको पता है कि पूरी दुनिया में हम जितनी तिजारत करते हैं, खरीदो फरोख्त करते हैं, वो सारी डॉलर के अंदर है। अमेरिकन डॉलर के अंदर आप पेमेंट करते हैं, इसी तरह आपकी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट जो है वो अमेरिकन डॉलर पे बेस करती है। जैसे जैसे वतन अजीज़ की करेंसी गिरती गई, डॉलर महंगा होता गया, इसी तरह आप जब इंपोर्ट वाली गाड़ियां मंगवाते हैं या आप वो सारी गाड़ियां जिनकी पेमेंट आप डॉलरों में करते हैं तो यकीनन उनके रेट ऑटोमेटिक सिस्टम पे महंगे होते जाते हैं। अब दूसरा सिस्टम ये है कि मुल्क के अंदर जो प्लांट लगे हुए हैं, जहाँ पे गाड़ियाँ असेंबल हो रही हैं, जहाँ पे कुछ पुर्जा जात इंजन के या कुछ ऐसे पुर्जा जात हैं जो आपको लाजमन जापान से दीगर ममालक से जो है वो दरामद करना पड़ते हैं, तो वो भी डॉलरों की सूरत में सारा बिल पे करना पड़ता है। जब वो पुर्जा जात यहाँ पहुँचते हैं, गाड़ियाँ जोड़ी जाती हैं, मार्केट में लाई जाती हैं, तो यकीनन महंगी हो जाती हैं। और फिर वक्त गुजरने के साथ साथ महंगी बिजली, महंगी मेन पावर, महंगे पुर्जा जात, डॉलर की आय रोज़ बढ़ती कीमतें, ये वो सारे अवामल हैं कि जो आपको सस्ती गाड़ी नहीं मिल सकती, चाहे आपकी असेंबली प्लांट में हो, चाहे आप जो है वो रिकंडीशन गाड़ियां मंगवाएं। दोनों सूरतों में गाड़ियों की कीमतें जो हैं वो आसमानों को छू रही हैं। एक मरला तो ये है, अब इसके बाद आ जाइए कि जब आप गाड़ी की ख़रीदो फरोख्त करते हैं तो भारी भरकम टैक्स हैं कि जो आपको हर सूरत अदा करने हैं, नई गाड़ी की सूरत में तो लाजमन देने ही देने हैं। फिर उसके बाद रजिस्ट्रेशन का मरला है, फिर उसके बाद आपने गाड़ी को अपनी चॉइस पे जो है वो सेट करना है, कैसे सीट कवर डालने हैं, लेदर डालने हैं, सिंपल डालने हैं, गाड़ी के अंदर मैट हैं, दीगर खूबसूरती पैदा करने वाली जितनी चीज़ें हैं वो सब का आपने जो है वो काम करना है। तो ये जब सारी टोटल कंक्लूजन पे कीमत जाती है तो पता लगता है कि जिस गाड़ी की कीमत जो है वो 8 से 10 लाख होनी चाहिए आज के दौर में, वो पाकिस्तान में 19 से 20 लाख की गाड़ी मिल रही है। जिस गाड़ी की कीमत एक्चुअली 20 लाख होनी चाहिए वो 30, 32, 35 लाख की मिल रही है। जब कीमतें इतनी ज़्यादा हो जाएं तो फिर यकीन जानिए कि बड़े बड़े अच्छे लोग जो इसकी इस्तेतात रखते थे अब वो भी गाड़ियां अफोर्ड नहीं कर सकते, अब वो भी। और फिर उसके साथ साथ पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतें हैं, मेंटेनेंस की बढ़ती हुई कीमतें हैं कि गाड़ी आपने रख ली, आप फ्यूल भी बर्दाश्त कर रहे हैं तो शायद फिर गाड़ी की मेंटेनेंस उसके इतनी महंगी हो जाएगी कि वो आपकी बर्दाश्त से बाहर हो जाएगी। सहूलत तो गाड़ी की एक है ही, हर फैमिली के लिए ये ज़रूरत है, लेकिन कीमतें इतनी बढ़ जाना, गाड़ी को मेंटेन करने की सकत जो है वो दिन ब दिन कम होते जाना, ये वो तमाम अवामिल हैं कि जो पाकिस्तान में आज महंगी तरीन गाड़ियाँ मिल रही हैं। और फिर हर गुज़रते दिन के साथ जो है वो लोकल करेंसी हमारी जो पाकिस्तानी रुपीज़ हैं उसकी डिवेल्यूएशन हो रही है, डॉलर जो है वो दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। अगर कीमतों को आपने कंट्रोल करना है तो ये सारे अवामिल जो मैंने आपको बताए हैं इन्हीं को कंट्रोल करना पड़ेगा। डॉलर की कीमतें जब तक नीचे नहीं आएंगी आपको मुल्क के अंदर बनी हुई गाड़ियां या रिकंडीशन गाड़ियां कभी सस्ती नहीं मिल सकती। आपकी करेंसी जब तक आए रोज़ गिरना बंद नहीं करती आपको सस्ती गाड़ियां नहीं मिल सकती। आपके मुल्क के अंदर फ्यूल की कीमतें जब तक मुस्तहकम और कम दर्जे पे नहीं रहती आपके लिए गाड़ी मेंटेन करना एक सर दर्द बना रहता है। जब तक वतन अजीज़ के अंदर मेंटेनेंस, गाड़ियों के पुर्जा जात की कीमतें कंट्रोल रेगुलेट फॉर्म में नहीं रहती आप